हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड क्विकली भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा न्यू सिग्मा वहाँ पर फॉर्म होगा, सिग्मा को सिग्मा रिप्लेस करेगा, डेट्स इट। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो एल्काइल हैलाइड में हो सकती है, अल्कोहल में हो सकती हैं एंड ईथर में। ये तीन जगह पे आपको देखने को मिलेगा और ये दो तरीके से हो सकती हैं, एक SN1 बोलते हैं और एक SN2। प्रैक्टिकली इसको समझना हो तो एक वेरी सिमिलर एग्जांपल देता हूँ, जस्ट समझने के लिए है। काम जो होते हैं वो दो तरीके से लोग करते हैं, एक नंबर का काम होता है और एक दो नंबर का काम होता है, राइट। एक नंबर का जो काम होता है उसमें आदमी को खुद मेहनत करना पड़ता है, राइट, अकेला वो वर्क करता है। इसलिए यहाँ पर रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट डेट इज एल्काइल हैलाइड, या अल्कोहल होगा तो अल्कोहल, ईथर होगा तो ईथर पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे ये वन आया है, ऐसा आप याद रखेंगे। एक नंबर का काम अकेला आदमी करता है, दो नंबर के काम में वो तो रहेगा ही, दूसरे को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे दो लोग की ज़रूरत होती है, एक एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या ईथर होगा ही, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी इसमें रहेंगे, इसलिए ये टू आया। तो उसी से हो गया, वन आने से ऑर्डर क्या हो गया, वन मॉलिकुलरिटी वन, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएंगे, टू मॉलिकुलरिटी टू। जो वन नंबर का काम होता है टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ये एक से ज़्यादा स्टेप में होंगे, राइट, मल्टीपल स्टेप में होंगे। और इसमें जो सबसे स्लो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगेन दो नंबर का जो काम होता है वो सिंगल स्टेप में, पैसा दो और काम लो, राइट, तो सिंगल स्टेप में होते हैं ये। चूँकि ये एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं इसलिए इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे, और इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बो कटायन। और कार्बो कटायन जहाँ भी बनेंगे, तो आपको बता रखा हूँ, इसको पहले रीअरेंज कराना है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। बट कि जो सेकेंड ऑर्डर वाली रिएक्शन होती हैं उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होंगे और उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। बाय द वे ट्रांजिशन स्टेट इसमें भी होंगे, और ऑलवेज दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। बाय द वे 1 डिग्री में ये रिएक्शन होंगी भी नहीं, और इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये डिग्री का क्या मतलब है, उसको यहाँ पे समझाया है कि कार्बन से जो भी हैलोजन अटैच है, कार्बन से ध्यान दे, या अल्कोहल या ईथर, राइट, तो जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो अगर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो इसको 3 डिग्री, 2 कार्बन से अगर अटैच होंगे तो 2 डिग्री, और एक ही कार्बन से होता तो 1 डिग्री। सिमिलरली अगर बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे, ध्यान रहे, बेंजीन से कोई कार्बन अटैच है उस पे हैलोजन है तो बेंजाइल, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट हैलोजन है तो एराइल। सिमिलरली डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन है तो अलाइल, और डबल बॉन्ड पे ही अगर हैलोजन है या अल्कोहल है या ईथर है तो उसको बोलेंगे विनाइल। तो यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है कि कभी भी जो नंबर वन का जो काम होता है उसमें कोई स्टेरिक फैक्टर, कोई घूस की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, उसमें कोई स्टेरिक फैक्टर वर्क नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा एल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, राइट, इसमें स्टेरिक फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते। स्टेरिक फैक्टर मतलब क्राउडिंग, इसमें क्राउडिंग का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आदमी अकेला वर्क कर रहा है तो उसको मालूम है हमारा काम भले लेट होगा लेकिन होगा, तो इसमें स्टेरिक फैक्टर या क्राउडिंग का कोई सीन नहीं है। बट इसमें स्टेरिक फैक्टर का प्रॉब्लम होगा, राइट, दो नंबर का काम है तो जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना जल्दी होगा, तो इसमें स्टेरिक फैक्टर का प्रॉब्लम आएगा। व्हाट इज स्टेरिक फैक्टर, तो वही चीज़ भी यहाँ पे है कि 1 डिग्री में ध्यान से देख सकते हो आपका 2 कार्बन होगा नहीं, 1 कार्बन हो सकता है, तो छोटा ग्रुप होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली अटैक कर सकते हैं, इसीलिए इसमें स्टेरिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि वही चीज़ को समझाया है कि जैसे यहाँ पे अगर ये 3 कार्बन होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर अगर 1 हाइड्रोजन आ गया तो उससे कम हो जाएगा, अगर 2 हाइड्रोजन आएंगे तो और भी कम हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन आएंगे तो और भी कम, रेट कम होती जाएंगी, बट यहाँ पे उसका रिवर्स होगा। विनो SN1 में कार्बोकटायन बनते हैं, राइट, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसी पे अटैक होगा, तो वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और ये हो जाएंगे प्लेनर, राइट, प्लेनर होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा, बिल्कुल ध्यान से देखो ये प्लेनर है, या मैं ऐसे दिखाऊं तो ये प्लेनर है,
इसलिए इस पर अटैक दोनों साइड्स हो सकते हैं, इस साइड से भी राइट दैट इज बैक साइड, और इस साइड से भी डैट इज फ्रंट साइड। अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे तो ये आपके लिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं, इसलिए बोथ साइड अटैक राइट। रेसिमाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर, ये तीनों डिफरेंट हो गए, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अगर डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे ये पेन है और ये मार्कर है, ये सब डिफरेंट हो गए, तो एक कार्बन पे अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो रेसिमाइजेशन यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना ये बनेंगे आगे वाले अटैक वाले, उतना ही बैक साइड अटैक वाले 50% होंगे। तो अगर दोनों का इक्वल मिक्सचर हो, डैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर का इक्वल मिक्सचर हो, तो उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन, और ये तभी बात होगी जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। बट वी नो कि जो SN2 है उसमें sp3 कार्बन पे अटैक होता है, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल राइट। टेट्राहेड्रल बोले तो ये इस टाइप से राइट, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। तो अब आप देखो इधर में बैक साइड से ही अटैक हो सकता है, के लिए इधर से तो अटैक ही नहीं हो सकता क्योंकि ये भी लिविंग ग्रुप पर भी माइनस है और न्यूक्लियोफाइल पर भी माइनस है, तो रिपेल हो जाएंगे। तो ये बैक साइड से अटैक करेंगे इधर से, और बैक साइड से अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, एक बिल्कुल अम्ब्रेला की तरफ सोच सकते हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए बैक साइड अटैक। तो इन्वर्जन की बात कब करेंगे, जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डैट मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि आप SN1 कहाँ पे कराएंगे, तो जहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक समझे, वैसे सॉल्वेंट जो H+ देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डैट मीन्स हाइड्रोजन फोन से अटैच होना चाहिए, जैसे वाटर, ROH अल्कोहल, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, तो वहाँ पे आपको SN1 सोचना है। बट अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहाँ पे SN2। पोलर अप्रोटिक का क्या मतलब है, पोलर तो होगा लेकिन हाइड्रोजन फोन से अटैच नहीं होगा, जैसे एसीटोन, तो ये पोलर अप्रोटिक है। बात समझ में आ गई, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चूँकि यहाँ पे SN1 में आपको जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए राइट, और इसलिए जनरली जो लोन पेयर वाले न्यूट्रल वाले हैं वो इसमें हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे SN1 होगा। लेकिन SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप कैसे पहचानेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज, जैसे CN- OH- RO-। ऐसा क्यों, क्योंकि SN2 में वेट नहीं करेगा कि आप पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाए फिर मैं अटैक करूं, वो एक साथ दोनों प्रोसेस होती हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, अटैकिंग का भी और लिविंग का भी। बट इसमें कैसा होता है, पहले हेलोजन लीव कर जाएंगे राइट, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, तो इसलिए इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वेट नहीं करेंगे राइट। एक पॉइंट और यहीं पे समझेंगे, चूंकि इसमें कार्बोकटायन बनता है तो कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टिविटी को पहचानेंगे, इसलिए +M ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन वाले, फिर प्लस है, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस है, फिर माइनस है। डैट मीन्स कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी वेरी करेगी, और SN1 में ऑलवेज आपको कार्बोकटायन के बारे में थिंक करना है कि कार्बोकटायन कितना स्टेबल होगा, और उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट भी करवाना है। बट जहाँ पे SN2 की बात होगी तो वहाँ पे आपको थिंक करना है कि कार्बन पे कितना से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन पे प्लस डेल चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि -M ग्रुप सपोर्ट करेंगे, अगर कोई -M ग्रुप है तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, फिर माइनस आए, फिर न्यूट्रल, फिर प्लस आए, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर +M। वैसे इसके स्टेबिलिटी के बारे में आपको पूरा आइडिया GOC में दे रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको ऑलवेज SN2 में ऑलवेज क्या थिंक करना है कि जो कार्बन पे अटैक हो रहा है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए, उस पर कम से कम बिगर ग्रुप लगे होने चाहिए। एक पॉइंट और यहाँ पे समझना है, जो SN1 रिएक्शन होती है एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट होंगे, और ऑलवेज दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट होगा, और धीरे धीरे ये जो पीक पॉइंट है वो कम होते जाएंगे राइट। बट जहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात होगी तो वो सिंगल स्टेप में होती है, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये ग्राफिकली भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपको क्लियर रहना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे इतना ही पीक पॉइंट नहीं होगा, और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना रीअरेंजमेंट होगा, बट मिनिमम दो ट्रांजिशन स्टेट होगा और एक इंटरमीडिएट होगा, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होंगे। नाउ मेन ट्रिक, की जो SN1 या SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड पे हो सकती हैं, अल्कोहल पे हो सकती हैं, एंड ईथर पे हो सकती हैं। तो एक पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए आपको कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होगा या OH या OR, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए,
तभी आप SN1 या SN2 की बात करेंगे। अगर वो SP2 या SP हाइब्रिडाइज है तो SN1 SN2 होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तभी हो सकता है जब जिस कार्बन से हैलोजन या OH या OR अटैच है वो SP3 हो, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन कुछ हो चलेगा, लेकिन जिससे ये तीनों अटैच है वो कार्बन SP3 होना चाहिए, तभी SN1 SN2 की बात होगी। अगर वो कार्बन SP या SP2 है तो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगी, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन इज कि एल्काइल हैलाइड के केस में अगर वो 3 डिग्री है, या फिर आप देखो कि हैलोजन हटाने के बाद वो कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको SN1 रिएक्शन कराना है, फिक्स है, समझ गए। बट 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको SN1 रिएक्शन कराना है। अगर 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड तो ऑलवेज SN2, आपको सोचना ही नहीं है। 2 डिग्री में सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा, 2 डिग्री में फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, डैट मीन्स वैसे सॉल्वेंट जो H+ दे सकते हैं, तो SN1 कराना है। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डैट मीन्स पोलर तो है, पोलारिटी तो है उसमें, बट वो H+ नहीं दे सकते हैं, तो फिर SN2 कराना है। तो एल्काइल हैलाइड में आपको ये मेन ट्रिक है। दूसरा जो है अल्कोहल में आपको क्या करना है, अगर HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको SN1 कराना है, डैट मीन्स इसमें डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर चला जाएगा अल्कोहल का OH, और इससे जो H+ मिलेंगे वो वाटर के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज कराना है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को अटैच करना है। बट PCl3 या PCl5 हो तो ऑलवेज आपको SN2 कराना है। तो इसमें जनरली SN1 ही होते हैं, वेरी रेयर है SN2 और फिक्स है। सिमिलरली ईथर के केस में आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन में से या तो दोनों या कोई एक 3 डिग्री का हो गया या अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो SN1। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें से दोनों कार्बन या फिर कोई एक कार्बन अगर 3 डिग्री का निकल गया या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो SN1 कराना है, अदरवाइज 1 डिग्री 2 डिग्री का अगर दोनों तरफ तो आपको SN2 कराना है। एक पॉइंट का ध्यान रखना कि इसमें जो ईथर में रिएजेंट है वो HI एंड HBr लेते हैं, इस पे बेस हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। और एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, राइट। अब इस साइड वाला ब्रेक करना या इस साइड वाला, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप दोनों ब्रेक करके देख लेंगे, जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उस साइड वाला ब्रेक करना है। जैसे इस केस में अगर मैं इधर वाला ब्रेक करता हूँ तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आएगा, ध्यान रहे पॉजिटिव ऑन डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, तो इधर वाला आपको ब्रेक नहीं करना है, फिर ये वाला ब्रेक होगा, बात समझ में आ गई। और उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस को ऐड कर देंगे। नाउ ज्ञान की बात, अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक्स लगा हो या फिर बेंजीन से डायरेक्ट एक्स अटैच हो या फिर ब्रिज हेड कार्बन पे एक्स अटैच हो, यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन या अल्कोहल या ओर ईथर, अगर ये तीनों ही हैं तो अगर डबल बॉन्ड पे होंगे तो विनाइलिक, बेंजीन से डायरेक्ट होंगे तो अराइलिक, और ब्रिज हेड वाले होंगे तो ब्रिज हेड, तो यहाँ पे ना तो SN1 रिएक्शन होगी ना ही SN2। ये वही केस हो गया, आपको बताया था कभी भी आपका हैलोजन या अल्कोहल या इथर डबल बॉन्डेड कार्बन डेट इज SP2 या SP हाइब्रिडाइज से अटैच है तो ना तो SN1 रिएक्शन कराना है ना ही SN2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे SN1 SN2 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री वाले हैं, ये भी बाय द वे 1 डिग्री वाले हैं, बट यहाँ पे जनरली हम प्रेफर करते हैं SN1, क्यों, क्योंकि इस हैलोजन के जाने से जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो SN1 आपको कराना है। बाय द वे यहाँ पे SN2 भी कराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 कि चाहे वो SN1 रिएक्शन हो या SN2, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होंगी, इसलिए हैलोजन के केस में आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन वाले, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, इन जनरल तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना फास्ट ये दोनों रिएक्शन होगी, दोनों का सेम कंडीशन है। आप कैसे चेक करेंगे, तो रिमूवल के बाद, रिमूव होने के बाद आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो और अच्छी बात है, जितना वो स्टेबलाइज होंगे उतना ईजिली वो रिमूव होंगे, उतना फास्ट SN1 या SN2 रिएक्शन होगी। पॉइंट नंबर 4 जो है, कहीं पे भी अगर एक्वस AgNO3 दिख जाए आपको या फिर मॉइस्ट Ag2O, डैट मीन्स सिल्वर कहीं पे भी दिख जाए, तो वहाँ पे आपको SN1 कराना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से डिग्री का है, ध्यान रहे। बट यहाँ पे तो क्लियर है होगा नहीं, अगर वो SP3 हाइब्रिडाइज है 1 डिग्री हो तो भी आपको
थिंक करना है कि वो SN1 के अकॉर्डिंग लेके चलना है, क्योंकि जो सिल्वर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटर होते हैं हैलोजन के। एंड पॉइंट नंबर 5 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए ट्रिक है DNA। DNA और RNA होता है। DNA का मतलब क्या है कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखे तो नाइट्रोजन को अटैच करना है। डी फॉर डी ब्लॉक, एन फॉर नाइट्रोजन, ए फॉर अटैच, DNA। डेट मीन्स जैसे RX कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन AgCN से कराएंगे, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं AG क्या हो गया डी ब्लॉक का, तो कौन अटैच होगा नाइट्रोजन, तो RNC आइसो नाइट्राइल या आइसो साइनाइड आपको बनाना है। वैसे ही AgNO2 तो नाइट्रोजन अटैच होगा तो नाइट्रो वाला आपको बन जाएगा। बट वहीं पे KCN होता राइट, ये S ब्लॉक वाले हैं तो फिर C अटैच होंगे तो साइनाइड बनेगा या नाइट्राइल, और KNO2 होगा तो ऑक्सीजन अटैच होगा। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए DNA वर्ड याद रखो, डी ब्लॉक का होगा तो नाइट्रोजन को अटैच करना है, अदरवाइज उसका उल्टा कर देना राइट। और ये कब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे, डैट मीन्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डोनर साइट हो, तो ये ज्ञान की बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट गिवन है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ कि ये 2 डिग्री है राइट, तो 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकता है। बट ये जो आपने लिया न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट, ये न्यूट्रल वाले हैं राइट, लोन पेयर वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा SN1, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो SN1 कराने का मतलब क्या हो गया कि आप पहले यहाँ से BR हटा देंगे, तो देखो मैंने ये हटा दिया, कार्बोकैटायन बना देना है। अब ये कार्बोकैटायन चूंकि रीअरेंज होंगे, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ, तो एक स्टेप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस पे ये है राइट, और यहाँ पे आपका वो हेच आ गया इधर वाला, ये आपका ऐसे ही था और यहाँ पे प्लस। अब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 2 CH3 थे और वो OCH3 राइट, ये बन जाएंगे इधर CH2 CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान दें, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना था उस पे ये दोनों ग्रुप सेम थे मिथाइल, अगर डिफरेंट होते ये ऑलरेडी एक डिफरेंट था इथाइल, अगर ये और कोई दूसरा ग्रुप होता, तीनों अगर डिफरेंट होते तो फिर यहाँ पे रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता, डेट मीन्स 50% ये मिलता और 50% इसके दूसरे वाले डेट इज R और S मिलते, बट यहाँ पे कोई रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम, तो ये कायरल ही नहीं है, वो तभी बात होंगी जब कायरल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 गिवन थे ऑर्डर ऑफ SN1, आपको कैसे बताया SN1 के अकॉर्डिंग कि आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेंगे और ये यहाँ पे, फर्स्ट जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके अकॉर्डिंग थिंक करना है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, प्लस इसका जो है वो प्लस सेम इफेक्ट है राइट, बट यहाँ पे जो है सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या प्लस का इफेक्ट है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सी में होगा, फिर डी में होगा, फिर ए में होंगे, फिर बी में, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक रिएक्टेंट है और KOH दिया। अब हम कैसे थिंक करें, अगेन 2 डिग्री है ये एल्काइल हैलाइड, तो यू नो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया क्योंकि इससे क्या मिलने वाला है OH- और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या थिंक करना है आपको SN2, स्ट्रॉन्ग होते SN2। अब यू नो कि एक तरह से कायरल है, कैसे, ध्यान से देखो, ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक BR, इधर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है राइट, और ये एक चौथा ग्रुप, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, SN2 हो रहा है तो इन्वर्जन होता है, बैक साइड अटैक होता है, BR अप में तो इधर में OH क्या हो जाएगा डाउन में, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, अब आपको OH जो लाना है वो बैक साइड से राइट, और यहाँ पे जो आपका NH2 जैसे था, ध्यान रहे जिस पे अटैक हो रहा है उसको ही चेंज करना है, बाकी को आपको चेंज नहीं करना है, तो ऐसे ही रखना है। नाउ अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और बच्चे घबरा जाते हैं, ध्यान से देखो, तो ये दोनों बैक वाले हैं, जो पीछे से दिख रहा होगा वो उसको क्या लगेगा ये दोनों अप है, या फिर आप इसको क्या करो जस्ट ऐसे पलट दो 180 से रोटेट करने पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो आप देखो 180 से रोटेट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो अब ये डाउन थे तो अब ये अप हो जाएंगे आपके OH राइट, ये डाउन थे तो ये भी अप हो जाएंगे, और ऐसा ऑप्शन कौन है, ध्यान से देखो तो सी, तो इस टाइप से आपको एप्लीकेशन ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर में 2-methylpropylbromide की रिएक्शन, एक बार C2H5O- से और एक बार C2H5OH से, तो ए भी मिलेगा तो उसका नेम बताना था और रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो पहले तो 2-methylpropylbromide बना लो। प्रोपाइल बोले तो ये 3 carbon, ब्रोमाइड बोले तो यहाँ पे और 2 पे मिथाइल, राइट। 1, 2, 2-methylpropylbromide हो गया, ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये कौन सा है, निक्लोफाइल नेगेटिव वाला, तो आपको बताया था फिर क्या करना है, SN2। यहाँ पे जो निक्लोफाइल है वो लोन पेयर वाला न्यूट्रल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SN1। तो पहले तो ये क्लियर, SN2 में डायरेक्ट BR हट करके तो वो लगा देना है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा OCH2CH3। अब ध्यान से देखो तो ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4 carbon, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और इधर क्या हो गया, ये इथाइल और ईथर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। बट SN1 होगा तो आपको क्या बोला, पहले आप इसको हटा देंगे, राइट, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, तो रीअरेंज होकर के यहाँ पे प्लस आएंगे, ये स्टेबल है। अब यहाँ पे आपको अटैच करना है, तो यहाँ पे आपका OCH2CH3 अटैच होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, टर्ट्री ब्यूटाइल हो गया, राइट, क्योंकि चारों इसके पास ये तीनों तरफ कार्बन ही है, टर्ट्स ब्यूटाइल इथाइल, राइट, और ईथर, ये है इथाइल आपका, तो ये नेम हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस टाइप से गिवन है, तो ये पीएच मतलब क्या हो गया, बेंजीन हो गया, S- अगेन ध्यान से देखो तो ये निगेटिव वाला है, तो SN2 मैं कराऊंगा, कैसे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये बता रहा है पोलर ऑपरोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये 2 degree है, तो आपको बिल्कुल जो ट्रिक दे रखा है उससे पहचान जाओगे, निगेटिव आ गया तो SN2 कराना है और पोलर ऑपरोटिक है, चूँकि ये अप साइड में है तो ये सिर्फ क्या हो जाएंगे, बैक साइड में, बाकी चीज़ें आपको वैसे ही रहने देना है, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं, क्योंकि जहाँ पर अटैक होता है बस वहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पे ये अप साइड से था तो आपका वो S और PH जो है वो बैक साइड से आ जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सब कंपाउंड गिवन थे, न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है कि न्यूक्लियोफाइल पे खुद क्या नेगेटिव, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा जिस कारण पे ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इस कारण पर आने वाला है, Cl की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ पे आएंगे, बट ये ग्रुप सपोर्ट करेंगे क्योंकि माइनस एम है, तो पॉजिटिव को इंक्रीज कराएंगे। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप है, ये पॉजिटिव को कम करेगा, राइट, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये तीनों ग्रुप ही मिलकर करके, क्योंकि ये ऑर्थो या पैरा पे, माइनस एम शो करने की वजह से पॉजिटिव को इंक्रीज कराएंगे, तो सबसे ज़्यादा 4th में अटैक होने के चांसेज हैं। उसके बाद ध्यान से देखो तो 2nd वाले में, फिर उसके बाद 1st वाले में, लास्ट में 3rd वाले में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे ये GOC का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में कर रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको रिएक्टेंट और ये रिएजेंट गिवन है, मेजर प्रोडक्ट, अगेन कैसे सोचना है, ध्यान से देखो, NaOH वाटर में डाला तो क्या मिलेगा, OH- स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन को क्या कराना आपको, SN2 कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा आपका, राइट, और यहाँ पे ये जैसे था और ये चीज़ें, बस इतना ही कराना है, SN1 नहीं कराना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा इंटीजर टाइप में, 2, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी रिएक्शन HI से, ध्यान से देखो तो ये ROR है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 degree है, राइट, तो आपको बताया था यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, SN1 आइदर साइड अगर कोई एक 3 degree हो जाता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं तो SN1 कराना है। अब बॉन्ड को किधर से ब्रेक करेंगे, तो भी बताया इधर से ही ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस स्टेबल होगा, तो आप क्या करो प्लस बना लो, राइट, तो ये ध्यान से देखो यहाँ पे ये मैंने प्लस बना दिया, तो HI का क्या करना है, इधर से बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर आई देना और इधर H देना है, तो दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या, ध्यान से देखो, C/D H ME और वो O था उसके साथ OH, तो ये लग गया, चूँकि अब इस पे I- का अटैक होगा, और ध्यान से देखो तो ये तीनों डिफरेंट ग्रुप हैं,
तो आई माइनस अटैक करेंगे, कार्बोकैटायन है, एसपी टू है, दोनों साइड में अटैक हो सकते हैं, बोथ साइड अटैक होने की वजह से यहाँ पे आपको रेसिमिक मिक्सचर डेट मीन्स आर एस मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए तो दो इससे मिलेंगे और एक ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बना ही नहीं तो बस यही रहेगा, तो टोटल तीन प्रोडक्ट हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं एच आई को एक्सेस में करता तो क्या होता सर? एक्सेस में करता तो फिर से ये ओ एच वाटर के फॉर्म में बाहर, ध्यान से देखो तो ये तीनों ग्रुप अगेन डिफरेंट, राइट? तो फिर यहाँ पे ओ एच की जगह कौन ले जाता है? आई, अगेन दोनों साइड अटैक, क्योंकि यहाँ पे अगेन एस एन वन कराना है आपको, राइट? पी सी एल थ्री या पी सी एल फाइव होता तब एस एन टू अल्कोहल के केस में, तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट मिलते, तब इन डैट केस एक्सेस में टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाता? चार। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी रिएक्शन एच बी आर से कराना है, तो अगेन ध्यान से देखो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे अनस्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो ये ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, एक तो आपको इसके साथ ओ रहेगा जिस पे ये एच बी आर का एच आ गया, और दूसरा ये सी एच टू पे वो एच बी आर का बी आर लग जाएगा और ये बेंजीन आपका रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट है, H प्लस एच टू ओ, वो जो है वो 18 वाला डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो अगेन आपको इधर से ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, इधर से आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये जो H है वो इसके साथ O के साथ चला जाएगा आपका, राइट? तो ये इस टाइप से आपका डबल बॉन्ड के साथ ये OH रहेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आप नहीं बना सकते थे, एंटी एरोमेटिक हो जाता, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखो, तो आपका ये इस टाइप से रहेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्टेबल होता है, तो ये ओ एच, ये कौन सा वाला है? 18 वाला, तो ये ध्यान रखना ये ओ 18 वाला आता। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्वस ए जी एन ओ 3 है, पहली बात बताया था आपको ए जी जब या एक्वस तो आपको रिएक्शन क्या कराना है? एस एन वन। SN1 कराने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे? कार्बोकैटायन बना देंगे, चूंकि रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो जाएगा, तो रिंग जब एक्सपेंड होगी तो वो इस टाइप से कुछ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस। नाउ अटैक किसको कराएं? तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से देखो एक्वस HNO3 मतलब वाटर भी है और NO3- भी है, चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज है, इसलिए ये अटैक नहीं करेंगे, अटैक कौन करेगा? वाटर वाला, तो यहाँ पे कौन लाना आपको? OH। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, NO2 लगा देते हैं, वो गलत है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। वैसे तो देखा जाए बेटा तो और भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको मैंने एक फुल आइडिया दे दिया है SN1 एंड SN2 कैसे आपको थिंक करना है, इस पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, वैसे भी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप सारे चैप्टर को ख़राब कर लो, जितना आपको बताया वो सफिशेंट है, उससे आप कर सकते हो। इसी का दूसरा पार्ट है E1 एंड E2, उसको भी पहले आपको करना है तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हीट दे देंगे तो एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, अभी तक हमने ये सारे रिएक्शन में हीट नहीं दिया, इसलिए SN1 या SN2 कराया। हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ होगा? तो वो एल्काइल हैलाइड में देखने को मिल सकता है, अल्कोहल में एंड ईथर में। जहाँ जहाँ SN1 SN2 रिएक्शन हो रही है वहाँ वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होंगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? तो इसमें दो सिग्मा ब्रेक होंगे, जैसे ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, दो सिग्मा ब्रेक होंगे और एक पाई फॉर्म होगा। यू नो सिग्मा स्टेबल होता है, पाई अनस्टेबल होता है सिग्मा के कंपेरिजन में। तो एक स्टेबल बॉन्ड से अनस्टेबल बॉन्ड बनाना है तो डेफिनेटली हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होगा। इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ कराना है उसका सिंपल सा फंडा है कि आपको ये डेल्टा साइन गिवन होगा या टेम्परेचर मेंशन होगा, जो कि जनरली 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होंगे। तो अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन थिंक करना है, क्योंकि ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो एल्कीन आपको मिलेगा। तो यहाँ तक पहले क्लियर होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप से हो सकती है, एक को बोलेंगे E1 और एक को बोलेंगे E2। इट इज़ सिमिलर टू SN1 SN2 टाइप, राइट? अगेन वन है तो डैट मीन्स नंबर वन टाइप का जो काम होगा उसमें
टाइम लगेगा और जो दो नंबर के काम होते हैं वो क्विकली होते हैं, ऐसा आप थिंक कर सकते हो। तो इवन रिएक्शन में अगेन रेट सिर्फ और सिर्फ आपका एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल या ईथर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए वन मतलब ऑर्डर वन, मॉलिकुलरिटी वन, चूँकि ये नंबर वन काम है राइट, तो ऑब्वियसली बात है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये मल्टीपल स्टेप में होंगे, एक से ज़्यादा स्टेप में होंगे। अगेन इसमें कार्बोकैटायन पहले आपको बनाना है, जहाँ पे भी हैलोजन लगे होंगे या अल्कोहल होगा या इथर, वहाँ से उसको हटा करके कार्बोकैटायन बनाना है, फिर रीअरेंज करना अगर पॉसिबिलिटी है तो, फिर उसके बाद आपको एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है। नाउ आप कैसे पहचानेंगे कि इवन कराना है, तो कोई बेस आपको गिवन होगा और जनरली वो वीक बेस होंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इवन रिएक्शन है जैसे वहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल, बट हीट का होना ज़रूरी है या फिर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे इवन कराना है। आपको रेट का अगर ऑर्डर निकालना हो कि किसमें ज़्यादा कम होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से जाएंगे, इट इज़ सिमिलर टू SN1 टाइप, इसलिए 3 डिग्री में इवन रिएक्शन सबसे फास्ट होंगे, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में अगर एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो। अगेन लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगी, तो दिस इज ऑल अबाउट E1। E2 में क्या होगा, तो डेफिनेटली ये दो नंबर का काम है राइट, इसमें और भी लोग की जरूरत पड़ेगी, तो रेट जो होगा वो एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल या इथर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, प्लस बेस के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पावर वन, यहाँ पावर वन, तो वन और वन क्या हो गया टू, तो इसलिए ये टू, तो ऑर्डर टू, मॉलिकुलरिटी टू, चूँकि ये दो नंबर का काम है फास्ट होगा, तो इसलिए ये सिंगल स्टेप में ही हो जाएगा। और ये जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि जो लिविंग ग्रुप होंगे और जो हाइड्रोजन होंगे वो एक दूसरे से 180 पे होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। अगेन यहाँ भी प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिलने वाला है। आप कैसे पहचानेंगे कि E2 कराना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा आपको और विथ हीट आपको साइन होगा। कभी कभी हीट का साइन ना देगा तो ये है और ये फिक्स है और इम्पोर्टेंट है, अल्कोहल में आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया लाइक ROH एंड KOH, तो यू नो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगी। एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट होती हैं और ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए यहाँ पे हीट मेंशन नहीं करेगा, इस प्रोसेस में जो हीट निकलेंगी वही उसमें काम आ जाएगा, या फिर इसी को रिएक्शन हो जाएगा तो एसिड बेस तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएंगे RO-K+, तो ये कहीं पर भी हो राइट, सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल इस टाइप से हो, तो आपको ऑलवेज E2 रिएक्शन के बारे में थिंक करना है राइट। अगेन इसमें रेट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एलिमिनेट करने के बाद एल्कीन बना लो और उसमें जो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट सबसे फास्ट होगा, इसलिए यहाँ पे भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेम ऑर्डर है, जबकि SN2 में उल्टा था राइट। और अगेन लिविंग ग्रुप में तो सेम ही है सब में, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन फास्ट होंगी। नाउ E1 और E2 को मैं एक एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आपको ये रिएक्टेंट लिया और H3PO4 और 120 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि आपको एलिमिनेशन कराना है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसको और कैसे दे सकता है, H+ हीट करके दे सकता है, और कैसे दे सकता है H2SO4 हीट ऐसे लिख सकता है राइट, या फिर H3PO4 एंड हीट या टेम्परेचर मेंशन कर देगा, तो ये सब डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले जिस कार्बन पे OH लगा है उसको बाहर निकाल देना है वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, पहले कार्बोकैटायन बनाना है क्योंकि इवन रिएक्शन आपको कराना है। कार्बोकैटायन बना तो फिर रीअरेंज होगा, तो यहाँ पर का हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट, हाइड्राइड शिफ्ट रहेंगे, ये प्लस यहाँ पर आएगा। अब ये कार्बोकैटायन यहीं पर स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री हो चुका है, नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन निकालने की बारी आए तो यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं। बाय द वे इधर वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों की सेम पोजीशन है राइट, दोनों तरफ से सेम नेमिंग आएगा इसलिए दोनों सेम है, तो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ और इसको 2, तो 1 से अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया तो प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, ये वाला, और अगर 2 से अगर मैंने हटाया तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा H बहुत ज़्यादा है, 3 यहाँ है राइट, 2 यहाँ 5 और 2 यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये क्या सा प्रोडक्ट कहलाएगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। जो एल्कीन ज़्यादा अल्फा H कंटेंट करेगा उसको सेटजेफ बोलेंगे, और इसमें सिर्फ 2 और 2-4 कम है तो इसको बोलेंगे हॉफमैन राइट,
तो इसको बोलेंगे हॉफमैन। तो ऑलवेज एल्कीन में दो पॉसिबिलिटी होंगी, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको सेटजेफ, और ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, और जो कम स्टेबल होगा उसको हॉफमैन, और ये माइनर प्रोडक्ट होंगे, कम अमाउंट में बनेंगे। तो ये ध्यान रखना। E2 आप कैसे थिंक करेंगे, जैसे ये रिएक्टेंट गिवन है, ध्यान से देखो, ETO-Na+, राइट, दैट मीन्स क्या हो गया, इसको और कैसे दे सकता था, ETOH+NOH, ऐसा भी करके, फिर हीट देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन से ही खुद ही हीट निकलेंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको E2 कराना है। E2 में क्या करना है, जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके बगल वाले कार्बन पे जाना है, तो एक यहाँ भी है कार्बन और एक यहाँ भी है, यहाँ भी है हाइड्रोजन और यहाँ भी है हाइड्रोजन, तो अगेन मैं इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप 1 से हटाओगे तो आपका प्रोडक्ट इस टाइप का बन जाएगा, और अगर 2 से हटाएंगे आप तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, एक कार्बन से Cl और एक कार्बन से H। तो अगेन आप ध्यान से देखो, तो ये सेटजेफ हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये हॉफमैन हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ऑलवेज इस केस में क्या करना है, E2 में जिस कार्बन पे हैलोजन है उसके बगल वाले कार्बन से थिंक करना है। बट E1 में कैसा है, कार्बन का टर्न बनाओ, रीअरेंज करो, फिर उसके बाद जिस कार्बन पे प्लस गया वहाँ के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा करके डबल बॉन्ड बनाना। एक पॉइंट का जो और ध्यान रखना है कि देखो, कहीं पर ऐसे लिखा हो तो ये क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड, और ये -K+, तो इसका मतलब क्या, ये है एक कार्बन पे 3 मिथाइल और O-K+, ये क्या हो गया, एक तरह से आप ध्यान से देखो तो ये बल्कि बेस हो गए। इसको क्या बोलेंगे, बल्कि बेस। बल्कि बेस मतलब ये जो O- है जो एब्स्ट्रैक्ट करेगा H+ को, ऑलरेडी इसके पास बिगर ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये जल्दी क्राउड वाले एरिया में पहुंच नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, डे टू डे लाइफ में यही होता है, तो ये खुद क्राउडेड है तो क्राउड वाले एरिया में ये नहीं जा सकते, इसलिए इसको बल्कि बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है। अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजन जो होता है वो ना हो, उसके लिए हमने 2 लिए हैं। ध्यान से देखो, दोनों का रिएक्टेंट सेम है बट मैकेनिज्म अलग अलग होगा। यहाँ पे पूरा उसने लिख दिया टर्शियरी ब्यूटा हाइड्रोक्साइड, डैट मीन्स आपको जो उसने यहाँ पे दिया वो ध्यान से देखो क्या दिया, इस कार्बन पे 3 मिथाइल हो जाएंगे और OH, ये है, तो ये एक वीक बेस का काम कर रहा है और हीट गिवन है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपको E1 कराना है। और E1 कैसे होगा, तो आपको बताया, फिर इसको हटा दो, जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ वहाँ पे प्लस बना हुआ, प्लस बना कर करके फिर ये शिफ्ट होंगे, यस 3 और एक 1, 4 ही अल्फा एच है, यहाँ पे आएगा तो 3 और 1, 4 और 2, 6, तो ये रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये रीअरेंज हो कर करके यहाँ से प्लस को आपको यहाँ पे ले आना है, राइट। फिर क्या ये आगे हो सकते हैं, तो यस आगे जा सकते हैं, 3 और 3, 6 और 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, जबकि अभी इस कंडीशन में 3 और ये 2, 5 और ये एक 6 ही अल्फा एच है, तो फिर ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनली शिफ्ट होकर के वो यहाँ पे आएंगे। अब आपको इस कार्बन पे प्लस है, तो इसके बगल वाला कार्बन एक ये है, और ये दोनों बाय द वे सेम पोजीशन में, तो अगेन जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो एक इधर डबल बॉन्ड बना सकते हो, और प्लस एक जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको डैट इज इधर या इधर बना सकते हैं, तो अगेन ये मेजर प्रोडक्ट होगा डैट इज सेटजेफ, और ये माइनर होंगे डैट इज हॉफमैन। तो यहाँ पे हमने क्यों इवन सोचा, क्योंकि पूरा ये टर्शियरी ब्यूटा हाइड्रोक्साइड है, डैट मीन्स वो अल्कोहल है, एक वीक बेस का काम करेगा। बट ध्यान से देखो, थोड़ा सा सावधानी हटेगा, दुर्घटना घट सकता है। सब कुछ सेम है, के प्लस, तो इसका मतलब ये माइनस प्लस है, डैट मीन्स इसमें इस टाइप का हो गया कि अल्कोहल में आपने बेस डाल दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस अब बन जाएगा और बल्कि बेस भी होगा। तो यहाँ पे अब आपको E2 कराना पड़ेगा, और E2 में भी अब यहाँ पे हॉफमैन मेजर होंगे, क्योंकि बेस भी आपका बल्कि हो चुका है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी बड़े बड़े ग्रुप के बीच फंसा हुआ है, तो ये खुद बड़ा है बल्कि है, और हाइड्रोजन भी बल्कि जगह पे है, तो ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो इस हाइड्रोजन को वो खींच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये कॉर्नर वाले हाइड्रोजन इसको खींचेगा, राइट, और इसको खींचेगा, तो आपको प्रोडक्ट जो बनाना है वो ये वाला, ये मेजर होगा। इस केस में हॉफमैन ही आपका मेजर प्रोडक्ट है, तो इस बात को समझना है कि अगर बल्कि बेस होंगे या फिर आपका हाइड्रोजन एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत क्राउडिंग है, तो आपको कॉर्नर वाले या लेस क्राउडेड वाले हाइड्रोजन को खींचना है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपका E1, E2, हॉफमैन, सेटजेफ सब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में
आपको ये रिएक्टेंट और ये रिएजेंट गिवन है, प्रोडक्ट बताना, ऑलवेज कुछ नहीं बोले तो मेजर प्रोडक्ट बताना, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक बल्की बेस हो गया, राइट, क्योंकि बिगर ग्रुप सब लगे हुए हैं तो डेफिनेटली ये कॉर्नर वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वैसे भी यहाँ पे वही बात है, राइट। तो यहाँ से सी एल और यहाँ इस कार्बन या इस कार्बन या इस कार्बन, तीनों में से किसी से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पे कॉर्नर पे डबल बॉन्ड और एक मिथाइल, तो ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। कभी कभी नाम भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना ये क्या हो गया, टू मिथाइल प्रोपीन। इस केस में आप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस दिया और अल्कोहल, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। डैट मीन्स यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्या कराना पड़ेगा, E2, क्योंकि यहीं से हीट इवॉल्व होंगी। तो यहाँ इस कार्बन से Cl और इस कार्बन से हाइड्रोजन आपको हटा करके क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देना, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे, ऑलवेज ये ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली इस केस में ध्यान से देखो, ऑलरेडी लिख दिया RO-K+, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फिर E2 कराना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है और ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, तो ये इजीली ब्रेक होगा, राइट, तो इसलिए ये जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोजन किधर से निकाले, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला हाइड्रोजन निकालना इजी रहेगा, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट से वो स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए आपको डबल बॉन्ड इधर में ही बनाना है, डैट मीन्स फ्लोरीन के पास ही, तो ये मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो अच्छा कंसेप्ट था इसमें, पहली चीज़ तो BR पहले गायब होगा और सेकेंड थिंग कि जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो फ्लोरीन से लगे होंगे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, तो इस टाइप से थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चार गिवन है E1 का ऑर्डर, तो E1 जैसे ही बोला तो हमने क्या बोला, कार्बोकैटायन बनाए, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग थिंक करें। तो फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा Cl जाएगा, तो फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होकर के, तो इसके पास अल्फा H भी है और रेजोनेंस भी है, तो फोर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर सेकेंड में जब यहाँ पे प्लस बनेगा तो वो रीअरेंज होकर के यहाँ पे आएंगे और रेजोनेंस होगा तो फिर 2 होगा। 3 में यहाँ पे प्लस बनेगा तो यहाँ पे आएगा, तो ओनली इसमें हाइपर कंजुगेशन होंगे इसलिए फिर 3 होगा और लास्ट में 1 होगा, तो इस टाइप से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन NaOMe और MeOH, तो ध्यान से देखो ये अल्कोहल और ये वही हो गए, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो ये बना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको E2 कराना है, बस ये रिएजेंट से समझना पड़ेगा। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस डाला हुआ है, कहीं पे भी अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH इस टाइप से लिखा हुआ है तो ऑलवेज E2, तो E2 कराना है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये दोनों होंगे नहीं, और चूंकि E2 कराना है तो इसमें कोई कार्बोकैटायन कोई रिअरेंजमेंट नहीं, तो यहाँ पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन है इसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ध्यान से देखो तो इधर वाला हाइड्रोजन ही जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इधर डबल बॉन्ड बनना चाहिए, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये रिएक्टेंट है और रिएजेंट गिवन है KOH एंड अल्कोहल, तो अगेन ये स्ट्रॉन्ग बेस एसिड में एडेड है तो हीट नहीं भी देता, तो भी हमें क्लियर है कि हमें क्या कराना पड़ेगा, E2 कराना पड़ेगा। E2 कराना है तो ध्यान से देखो, ये कार्बन का ब्रोमीन और ये कार्बन का हाइड्रोजन, ये हटा करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, और सिमिलरली ये कार्बन का ब्रोमीन और ये कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये कंजुगेशन में आ गए, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्किन होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी और अल्फा H भी ज़्यादा है, तो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, ETO-Na, डैट मीन्स अगेन आपको E2 कराना है। E2 कराना है तो ध्यान से देखो, इस कार्बन पे ब्रोमीन है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कौन सा लेना चाहिए, तो डेफिनेटली मेजर के लिए ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो वो C6H5 क्या एक्चुअली बेंजीन, तो बेंजीन से क्या हो जाएगा, वो रेजोनेंस में आ जाएगा, ध्यान से देखो तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। इसके बगल में ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक और कार्बन, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लेंगे, डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, बाकी जगह पे हाइड्रोजन आप लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड है और के है, डैट मीन्स ये माइनस प्लस है, तो अगेन ये एक बल्की बेस हो गया, राइट, तो यहाँ पे E2 कराना है, हॉफमैन मेजर होता, बट द थिंग इज कि यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इस कारण पे BR और यहीं पे हाइड्रोजन है और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे आप जैसे भी सोचो, तो सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेना, मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, ये BR हटा देना और ये H हटा देना, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे
टर्सरी ब्यूटा हाइड्रोक्साइड होता राइट, के की जगह एच होता तो इवन रिएक्शन होती। बाय द वे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम रहता है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो यही प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से यहाँ जाना हो तो कौन सा यूज नहीं कर सकते, तो ध्यान से देखो। तो ये NaOH E2H ये E2 के लिए बेस्ट है, NaOH H2O हीट दे दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, NaOH H2O और E2H बेस और एसिड है तो यहाँ भी एलिमिनेशन हो जाएगा क्योंकि ये एलिमिनेशन हुआ, तो ये NaI ये SN2 करेगा तो इसलिए ये हम यूज नहीं कर सकते वहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक रिएक्टेंट था NaOMe और MeOH पॉसिबल प्रोडक्ट, तो देखो पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो Na प्लस है और OMe माइनस है आपका राइट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन होगी, तो E2 रिएक्शन होगा तो ये आपका हॉफमैन बन सकता है और ये सेटजब बन सकता है। सिमिलरली SN2 भी हो सकता है या SN1 भी हो सकता है राइट, तो इसलिए ये भी बन सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऑलवेज E1, E2, SN1, SN2 सारी रिएक्शन चलती हैं, उसमें जो मेजर होता है हम उसकी बात करते हैं। अगर पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो आपको सारे तरीके से थिंक करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये रिएक्टेंट गिवन था और H प्लस एंड हीट, डैट मीन्स एलिमिनेशन कराना और इवन होगा राइट, तो H प्लस है तो यहाँ से OH निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, तो ये निकाल दो ये बॉन्ड को और यहाँ पे बना दो आप प्लस, कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट होगा, बट यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कराना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक आपको दे रखा हूँ, एक पूरा वीडियो लेक्चर GOC में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हो। तो इसको 1 करेंगे 2 3 4 5 6, तो हमने बोला कि आप आंख बंद करके 6 मेंबर का बना लें, जहां से मन करे नंबरिंग कर दें 4 5 6 और 2 पे प्लस डाल दें। उसके बाद ध्यान से देखें 1 पे एक ग्रुप लगा हुआ है तो 1 पे एक ग्रुप लगाएं, 2 पे भी एक ग्रुप लगा हुआ था तो 2 पे एक ग्रुप आप लगा दें, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद चूंकि हीट है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एल्कीन बनेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन आप ध्यान से देखो तो डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे ध्यान देना डाइल्यूट H2SO4 है मतलब H प्लस मिलेगा और H प्लस मिलेगा तो OH वाटर के फॉर्म में बाहर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये आपको हटा देना है। अब यहाँ पे ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो आप क्विकली 1 और 6 का बना लें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखें 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है, 6 पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस पर ऐसे रहेगा राइट, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखें 6 5 4 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है उस पर एक मिथाइल है, तो इस तरीके से आप कर दें। चूंकि डाइल्यूट H2SO4 है डैट मीन्स वाटर एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर जो है वो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको OH लगा देना है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्कीन नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 लिया, कंसंट्रेटेड लेते तब जाकर करके वो एल्कीन बनता या हीट लेते, तो इस पॉइंट सबको समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 में PBr3 है और ये 1 2 करके दे, तो पहले इससे कराना फिर इससे, ये सब आपको समझना है। तो PBr3 है तो SN2, तो OH हट करके क्या जाएगा Br, तो फर्स्ट केस में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप से होगा डैट इज Br। उसके बाद ध्यान से देखो OH अल्कोहलिक लिखा हुआ है, डैट मीन्स E2 आपको कराना है और एलिमिनेशन कराएंगे तो इधर वाले हाइड्रोजन को लेंगे, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएंगे, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा, डैट मीन्स तो वाटर को हटा करके, डैट मीन्स OH को एज ए फॉर्म ऑफ वाटर हटा करके आपको देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा 2 स्टेबल होगा क्योंकि ये हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे और ये एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक हाईली स्टेबल होते हैं तो सबसे ज़्यादा 2 हो जाएगा, ये तो जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये सबसे पीछे आएंगे। अगेन ये जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे राइट, ये हट जाएगा तो ये अगेन रेजोनेंस होगा बट एरोमेटिक नहीं है राइट, तो इसलिए 2 के बाद 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसके जाने से जस्ट एल्कीन बनेंगे राइट, और
अल्फा एच इससे कम होंगे और रेजोनेंस भी नहीं है, तो इसलिए 4 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर इस टाइप से हो जाएंगे। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे वर्ड लिखा हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी वर्ड जहाँ पे लिखा है इसका मतलब कि बाहर होना है, आउट होना है, और हाइड्रोहेलोजन तो डैट मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर करते हैं, जो जनरली E1 E2 में होता है, और इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन। तो ये वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन भी है, डैट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोकार्बन आप यही पढ़ते हो। नेक्स्ट इज डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन मतलब डी मतलब अगेन बाहर जाना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो इस केस में वाटर बाहर जाते हैं, डैट मीन्स अल्कोहल के केस में ये रिएक्शन होती है, अगेन E1 रिएक्शन होती है, और इस केस में भी आपको प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। वैसे ही होता है एक डीहेलोजिनेशन, राइट, तो डी मतलब अगेन बाहर जाना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, तो दोनों बाहर जाने वाले हेलोजन होते हैं, अगेन E1 E2 में होता है, और यहाँ से भी एल्कीन मिलता है। तो ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आ जाते हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एक वर्ड होता है रिजियो सेलेक्टिव, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसको क्लियरली समझ लो। रिजियो सेलेक्टिव मतलब रीजन पे, राइट, एरिया पे डिपेंड करने वाले। तो जैसे यहाँ पे E2 जो होता है वो रिजियो सेलेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे ब्रोमीन है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहाँ से भी, यू नो, यहाँ से जो जाएगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे और वो सेटजेफ होगा, ज़्यादा मेजर होगा, और इधर वाले हॉफमैन होंगे, तो इसलिए ये E2 एलिमिनेशन जो है वो रिजियो सेलेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि वो कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही एक वर्ड होता है एस्टीरियो सेलेक्टिव, एस्टीरियो सेलेक्टिव का क्या मतलब है, उसको भी एक एग्जाम्पल समझाया कि जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया और अल्कोहलिक क्यूज इस टाइप से आपको दे दें, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका ट्रिक मैंने आपको दे रखा है रिएक्शन ऑफ एल्कीन में, एडिशन ऑफ एल्कीन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया कि अल्कोहलिक KOH लोगे तो E2 एलिमिनेशन होगा, और ये एक एंटी एलिमिनेशन है, एंटी है मतलब ये माइनस है, राइट, तो डैट मीन्स क्या होगा, ये माइनस है, डैट मीन्स ये माइनस है, तो आपको एल्कीन कौन सा बनाना है वो कैसे आप करेंगे, तो ये माइनस है, और इधर ध्यान से देखो तो जो Cl और H है वो अपोजिट साइड में, राइट, एक कार्बन से Cl और एक कार्बन से H, तो ये अपोजिट में है, तो ये भी माइनस में है, तो ये खुद माइनस है, तो इधर क्या होना चाहिए, प्लस, प्लस बोले तो सिस वाला आपको एल्कीन बनाना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस माइनस होंगे, इस टाइप का आपको ट्रिक दे रखा हूँ। तो सिस वाला एल्कीन बनाने का मतलब क्या हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे एक हेच बचेगा और एक एमी, तो ये एमी और ये हेच लिख दिया, इस कार्बन पे एमी और ईटी है, लेकिन हमें बनाना है कौन सा, सिस, तो सिस बनाने का मतलब एमी को इस साइड रखेंगे तभी सिस होगा, तो ये बनाना आपको। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये तो ट्रिक हुआ, एक्चुअल में कैसे करेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, इससे इसको न्यूमैन में ले आना है, और बाय डिफॉल्ट फिशर का न्यूमैन इक्लिप्स होता है, तो ये कार्बन और ये कार्बन, तो एक बैक कार्बन हो गया, एक फ्रंट कार्बन, राइट, इस कार्बन पे एमी एच सी एल है, जैसे दिख रहा दिखा दो एमी एच सी एल, इस कार्बन पे भी एमी, उसके बैक में कर देना, राइट, और इधर में एच है, इधर में ईटी, तो वो दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि एंटी एलिमिनेशन होता है, अभी यहाँ पे Cl है तो इसके एंटी पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए इसको 60 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया, तो ये आप कर सकते हैं, तो अब H और Cl एंटी पे आ गए, तो ये हटा देंगे तो ये बचेगा। अब ध्यान से देखो ये कार्बन और ये बैक वाला जो कार्बन है सर्कल वाला, इनके बीच डबल बॉन्ड है, ये दो Me पास में और HET पास में, तो ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा सिस। तो वही हमने बोला, चूंकि हमारा ट्रिक यही था, सिस सिन या मीजो को मैंने प्लस माना था, ट्रांस एंटी या रेसिमिक को माइनस। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा आप 10 सेकंड के अंदर में कर लोगे, इतना फास्ट कोई भी नहीं कर सकता। ध्यान से देखो मैंने कैसे लगाया, अल्कोहलिक को एच एंटी एलिमिनेशन, ये खुद माइनस है, यहाँ पे HCl अपोजिट साइड में, तो ये माइनस है, तो इधर कौन लेना पड़ेगा, तो इधर प्लस वाला, तभी माइनस प्लस माइनस मिलेंगे। अगर सपोज करो कि ये H भी इसी साइड होता तो ये खुद क्या हो जाता, प्लस, राइट, ये तो माइनस है ही, तो ये प्लस का हो सकता था, जब ये माइनस, डेट मीन्स फिर हम ट्रांस वाला लेते, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव, कि एक पर्टिकुलर वाले से ही ये मिलेगा, सिस वाले से ही ये मिल सकता है, ट्रांस वाले से नहीं, तो स्टीरियो सिलेक्टिव हो गए। और एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक,
तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्रोमीन जैसे यहाँ पे है तो ये अप साइड में है, तो हाइड्रोजन डाउन साइड में होना चाहिए, राइट, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है तो एक दूसरे पे एंटी पे होना चाहिए। अभी ये दोनों अप साइड में, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये हाइड्रोजन डाउन साइड में होता तब ये रिएक्शन होती, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो E2 रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव है एंड स्टीरियो स्पेसिफिक है, और तीनों को अच्छे से समझाया। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। इस पे बेस्ड आप सारे प्रॉब्लम को कर सकते हो, और अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।